रिमेक से बिजनेस होने से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, कंट्री बेस होता है, रिमेक बनाओ, क्यों बॉलीवुड बना नहीं पा रहा है, बॉलीवुड बना नहीं पा रहा इसलिए रीमेक बनाओ। पहली बार ऐसा लगता है साउथ का रीमेक नहीं हुआ है, गुजराती रीमेक हुआ है और अच्छी चल रही है। अजय देवगन जैसा पावरफुल आदमी हमारे बॉलीवुड में पैदा नहीं हुआ। लड़कियों को वश में करने के बजाय हमारी जो बॉर्डर है ना, पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे खड़ा रह के पाकिस्तानी सैनिकों को वश में कर लेता और सब ऐसे मुर्दाल हो जाते और हमारे आदमी उड़ा देते। सर, वो लड़कियों को ही वश में करता है। क्यों? हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ मुंबई के मंदिर कहे जाने वाले गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के कर्ता रहता श्री मनोज देसाई जी। शैतान इन्होंने लगाई है अपने थिएटर्स में, आपने गेटी में भी लगाया, आपने मराठा मंदिर में भी लगाया। अजय देवगन स्टारर ये पहली फिल्म है साल की जो बड़ी फिल्म है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मल्टीप्लेक्सेस में तो मैंने देखा है एक अच्छा रिस्पांस मिला है, आपके थिएटर में कैसा रिस्पांस रहा? हमारा भी रिस्पांस पहले दिन थोड़ा नाजुक था, दूसरे दिन से बहुत अच्छा गया। सैटरडे भी तो अच्छा गया, संडे तो कल बहुत अच्छा था और आज भी ठीक है, आगे अभी देखना है कितना अच्छा जाता है। लेकिन ऐसा है कि रीमेक है, अब रीमेक के अंदर जो लोग पहले वो भाषा में देख चुके हैं वो लोग तो देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी चल रही है पिक्चर। रीमेक में बहुत कम लोगों ने देखा है सर, उसका कलेक्शन भी बहुत कम था, और यही वजह है कि जब ये बड़े स्टार के साथ सेम कहानी रिलीज हुई है तो ये कहानी, ये जो फिल्म है, लोगों को पसंद आ रही है। ऑब्वियसली फिल्म पसंद आ रही है, मैंने भी कहा है कि लोगों की फिल्म पसंद आएगी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से रीमेक पे रीमेक बनाए जा रहे हैं ज्यादातर, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? वही जो पहले 5 बार बोल चुका हूँ, 20 बार बोल चुका हूँ आपको, कि हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर सुधरेंगे नहीं, राइटर सुधरते नहीं, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला, मैं एग्जीबिटर हूँ। अल्टीमेटली हमको भुगतना पड़ता है। कोई एक सी ढंग की पिक्चर, वो 3 पिक्चर को छोड़ के उसके बाद आई नहीं है, पठान, गदर 2 और जवान, एनिमल भी, और एनिमल ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी, 4। फाइटर अच्छी गई थी सर आपके थिएटर में? नहीं, सो सो। ओके। हाँ, ताजुब हुआ कि रिजिक के होते हुए भी सो सो क्यों गई। लेकिन ये सब पाकिस्तान के साथ वॉर सब लगी रहती है, अभी देखो क्या होता है। ओके, लेकिन रीमेक भले ही बनी है सर, बिजनेस तो हो रहा है, और एक एग्जीबिटर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस इम्पोर्टेंट होता है, तो आप क्या कहेंगे, रीमेक से अगर बिजनेस हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, रीमेक से बिजनेस हो रहा है बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, कंट्री बेस होता है, रीमेक बनाओ, क्यों बॉलीवुड बना नहीं पा रहा है, बॉलीवुड बना नहीं पा रहा इसलिए रीमेक बनाओ। साउथ वाले आजकल भेजते नहीं इधर पिक्चर, लेकिन आती है तो अपॉर्चुनिटी लेके रीमेक बनाओ। ओके, क्या कहेंगे, जिस हिसाब से हिंदी सिनेमा ने इस बार गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन लिया है और वहाँ की फिल्म को रीमेक बनाया है, पहले तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से रीमेक आते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? और उसी का रीमेक किया है तो पहली बार ऐसा लगता है साउथ का रीमेक नहीं हुआ है, गुजराती रीमेक हुआ है और अच्छी चल रही है। ओके, क्या कहेंगे, इस फिल्म के अंदर आर माधवन भी है, अजय देवगन भी है और ज्योतिका भी है, और सेम एक्ट्रेस है जो वश में भी थी, यहाँ पर भी नजर आ रही है, अजय देवगन की बेटी का जो रोल उन्होंने किया है। स्टार कास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि फिल्म के अंदर उनकी जो एक्टिंग है बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और लोगों को पसंद आ रही है। लोगों को सब पसंद आ रही है, लेकिन वही लोगों ने मुझे ये पूछा है आर माधवन किस हिसाब से उसको वश में करता है, क्या वजह है, क्यों वश में करता है, वो वजह बताइए। मैंने पिक्चर की फ्रेम नहीं देखी, ये पब्लिक ने मुझे पूछा है आर माधवन ने उसको वश में क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये मैं जानना चाहता हूं। अजय देवगन जैसा पावरफुल आदमी हमारे बॉलीवुड में पैदा नहीं हुआ, उसकी जितनी भी पिक्चर गई सब में पावरफुल एक्टिंग की है, इसमें वो बहुत ही नरम हो जाता है, रो देता है वहाँ तक, क्योंकि अपनी बेटी है, बेटी के लिए वो होगा या मैं होगा, कोई भी रोएगा। लेकिन एक ही सवाल है,
उसको वश में करने की क्या वजह थी? वजह तो यही है कि वो पावरफुल बनना चाहता है, सबको वश में करके वो पावरफुल ही बनना चाहता है ना। तो कोई और फैमिली था, ये फैमिली क्यों लिया? दृश्यम 1, दृश्यम 2, विजय देवगन, अजय देवगन खा गया है सबको, तब्बू जैसी तब्बू को, कलेक्टर जैसे कलेक्टर, सबको खा गया है वो, उसको कहते हैं अजय देवगन। आज तक सुधीर शेट्टी की कौन सी पिक्चर गई जिसमें अजय देवगन सबको खा ही गया है? इसमें फिर क्या हो गया? सुधीर शेट्टी, ऑफकोर्स रोहित शेट्टी, रोहित शेट्टी, आई एम सॉरी, रोहित शेट्टी की सभी फिल्म देखो। तो इसमें पहले मेरा सवाल जो जनता ने मुझसे पूछा है, क्यों वश में किया, मैं ये सवाल तुमसे पूछता हूं जब तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, क्यों वश में किया? सर वश में तो इसीलिए किया ना क्योंकि वो बड़ा महान बनना चाहता है, सारी शक्तियां अपने अंदर समेटना चाहता है, इसलिए सभी लड़कियों को वश में करता है। ज्यादा तो लड़कियों को वश में करने के बजाय हमारी जो बॉर्डर है ना, पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे खड़ा रह के पाकिस्तानी सैनिकों को वश में कर लेता और सब ऐसे मुर्दाल हो जाते और हमारे आदमी उड़ा देते। सर वो लड़कियों को ही वश में करता है। क्यों? वो लड़कियों को ही वश में करता है। वजह ठीक है, क्योंकि वो आप ये कह रहे हैं कि लड़कियों को ही वश में क्यों कर रहा है? एग्जैक्टली क्यों वश में कर रहा है, ये रीजन बताना चाहिए था। ये एक मासूम सी अच्छी सी लड़कियां होती है सबके घर में, और लड़कियों को लड़कों से ज्यादा प्यार किया जाता है, क्योंकि लड़कियों को एक बार लड़कों की शादी हो गई वो सबको भूल जाते हैं, लड़की कभी माँ बाप को भूलती नहीं है। तो ये लड़की को वश में क्यों कर रहा है, हिप्नोटिज्म क्यों कर रहा है, Why? What is the reason behind? Okay. ठीक है, लोगों को तो पसंद आ रही है, no doubt. और अच्छी बात है ना सर, ये अगर बिजनेस हो रहा है आपके थिएटर में भी तो अच्छा बिजनेस हुआ है ना सर? हाँ, हो ही रहा है ना, मैं क्या ना बोलता हूँ, लेकिन जो पब्लिक मुझे पूछती है वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप पर्सनली क्या चाहते हैं सर, आप क्या चाहते हैं? इंटेलिजेंट पिक्चर, जो एजुकेटेड सर public, ये भी इंटेलिजेंट पिक्चर ही है, कहानी जो हाँ, है, लेकिन जो एजुकेटेड पब्लिक है उसका सवाल मुझे है, मेरे रूम में आके वश करने की वजह मैं जवाब नहीं दे पाया। ओके, कुमार मंगल से मैं पूछ रहा हूँ आपके जरिए वश करने की वजह। ओके चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुमार मंगल जी को मैं बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक उड़िया फिल्म को सपोर्ट किया था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये भी एक फिल्म है जो गुजराती। कुमार मंगत मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं बरसों से, क्योंकि अजय का पूरा प्रोडक्शन वही संभालते हैं, और कुमार मंगत जब यहाँ नाज बिल्डिंग में बैठते थे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अभी भी है, रहेंगे। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, प्रीवियसली वॉज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ अजय देवगन, नाउ ही इज इन पार्टनरशिप। वाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो फिल्म तो बिजनेस कर रही है, 54 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है सर, अराउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 करोड़ के आसपास का बजट है, तो फिल्म तो अपना जो भी लागत है उसको तो रिकवर वो तो रिकवर कर लेगी, क्यों जब 54 करोड़ हो गए हैं, 60 करोड़ का बजट है, तो बाकी के 6 करोड़ करने में कोई देर नहीं लगेगी। और अजय देवगन एक ऐसे बड़े सुपरस्टार है जो हॉरर हो गया या फिर थ्रिलर हो गया, हॉरर स्पेशली जो इंटेंस भी होती है वो फिल्में, उसमें वो नजर आ रहे हैं बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद। हमने देखे हैं दूसरे सुपरस्टार हॉरर जॉनरा में बहुत कम नजर आते हैं या फिर आते ही नहीं है, अजय देखो ना आते हैं ना, और करके दिखाते हैं ना, तो इसमें मायूस होकर रोते क्यों है सर? यही तो व्हाई हिज कैरेक्टर इज लाइक दैट, उसको फेस करना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था मेरी बेटी को तमाचे मेरे सामने मार के मुझे रुला रहा है, मुझे वश कर, ये डायलॉग होना चाहिए था। वो तो है, वो सब भी बोला गया है, वो करना है, लेकिन वो विलन ही ऐसा है ना, विलन ही ऐसा है, उसको लड़की से मतलब है, उसको पैसा भी दिया जाता है, तो शैतान प्रॉपर्टी भी दिया जाता है, जो वर्ड यूज हुआ है ना शैतान, तो आर माधवन ने शैतान का रोल पे किया। हाँ वो तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आर माधवन से लोग नफरत कर रहे हैं, वो पैसा देता है, उसको मारता भी है, लेकिन तो बेटी के कारण मजबूर हो जाता
जो बोलते हैं ना बेटी उसकी वही करती है, वो बोलते अपने बाप को थप्पड़ मार तो अजय देवगन को थप्पड़ मारती है, अपने भाई का सर फोड़ दे तो भाई का सर फोड़ देती हो, ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये बताए बोलने का मकसद, इन शॉर्ट कोई भी चीज ऐसी हरकत पब्लिक के साथ मत करो जिसमें पब्लिक को ये फील हो कि अजय देवगन जैसा सॉलिड हीरो मासूम हो गया अपनी बेटी की वजह से। क्यों नहीं? नहीं देखिए, कहानी जैसी चली कहानी के हिसाब से उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है। कहानी के अगर डिमांड रहेगी कहानी की, स्क्रिप्ट की, तो क्यों नहीं बड़ा सुपरस्टार ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कौन से थिएटर हाउस हो गए सर? ये मल्टीप्लेक्सेस जो है मैंने देखे हैं, पीवीआर हो गया, 300 सीट के सीट वाले, सिंगल स्क्रीन में काफी कम मैंने हमारी हजार हजार सीट वाला एक भी शो मेरा फुल नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग संडे फुल, नहीं गुड कलेक्शन, फुल नहीं। आप चाहते हैं कि फुल हो? बिल्कुल। ओके ठीक है सर, आपने अपना ओपिनियन दे दिया है, आप कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं कि एक हिसाब से फिल्म ने कलेक्शन एक हिसाब से कर दिया है, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हो या फिर मराठा मंदिर जैसा थिएटर हो या फिर गेटी गैलेक्सी थिएटर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि और अच्छी कंटेंट आनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट पे काम किया जाए तो और भी बेहतर हो, बेस्ट। जैसे गुजराती पिक्चर का रीमेक किया गया है तो उसमें थोड़ा मसाला और डालना चाहिए था। आप कह रहे हैं और मसाला डालना चाहिए था, कुछ मसाला डाला है लेकिन मैं आपको बता दूं लोगों को हर्ट किया है। हाँ। क्लाइमेक्स चेंज कर दिया गया, वही जो भी है। हाँ ये इसका क्लाइमेक्स नहीं, वो वश का क्लाइमेक्स नहीं है इसमें। हाँ। मैं जानता हूँ जो भी है सर, हमें पिक्चर चलानी है, पिक्चर के कलेक्शन से मतलब है और हम उसी से खुश हैं। ओके सो गाइस, आपने देखा मनोज देसाई जी इज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द कलेक्शंस ऑफ शैतान। शैतान जो है इनके थिएटर में भी एक बिजनेस करके दी है, अच्छी खासी बिजनेस है, लेकिन इनका ये मानना है कि हिंदी सिनेमा ज़्यादा ध्यान दे ओरिजिनल फिल्म्स पर। ओके तो गाइस, इनके इस ओपिनियन के लेकर क्या कहना चाहते हैं, इनके रिएक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। वेलकम।